सो हेलो गाइज, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो वंस अगेन। सो आज के वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार का क्रिकेट चैनल बैनर बनाना सीखने वाले हैं। इसके पहले मैंने कुछ इस प्रकार का क्रिकेट लोगो बनाना आपको सिखाया था, तो उसी से रिलेटेड क्रिकेट चैनल बैनर आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे रिलेटेड जो भी फॉन्ट होंगे, जो भी इमेजेस लिंक होगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो हम लोग इस बैनर को पिक्सल लैब ऐप में बनाने वाले हैं। तो पिक्सल लैब ऐप आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे ओपन कर लीजिएगा। पिक्सल ऐप को ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऊपर में राइट साइड के कॉर्नर में एक 3 डॉट का ऑप्शन है, तो 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है और इमेज साइज का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए और कस्टम पर क्लिक करके इसे यूट्यूब चैनल बैनर पर सिलेक्ट कर लीजिए। अभी आपको बीच में एक न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आता है जो कि डिफॉल्ट रहता है, तो आपको ऊपर वाले जो डिलीट बटन है उस पर क्लिक कर लेना है और इसे डिलीट कर देना है। अब आपको ऊपर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लीजिए, जिसके बाद आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। वहां से आपको ये वाला जो पिक्चर है वो ले लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद इसे जूम करके अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर एक गोल वाला आइकन होगा, गोल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर एक रिलेटिव साइज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इसका जो विड्थ है उसको 100 कर दीजिए और हाइट को भी 100 कर दीजिए। अब यह अच्छे से बीच में एडजस्ट हो चुका है। अब आपको प्लस के बगल वाले आइकन लेयर पर क्लिक करना है और इसको लॉक कर देना है। अब जो YouTube बैनर का जो साइज है वो सबके हिसाब से अलग अलग होता है। जब मोबाइल से आप देखेंगे तो उसका साइज अलग होगा, जब लैपटॉप पर देखेंगे तो उसका साइज अलग होगा, और टीवी पर जब देखेंगे तो उसका साइज अलग होगा। अभी आप यहाँ पर जो रेड पाई देख पा रहे हैं दोनों तरफ, तो उसके बीच में जो बैनर बनेगा वह आपको मोबाइल पर दिखेगा, लेकिन जब आप लैपटॉप पर देखेंगे तो जो बैनर है वो ग्रीन कलर का जो पूरा बॉर्डर दिख रहा है बीच में, वहाँ पर आप पूरा दिखेगा अगर जब आप इसे लैपटॉप में देखेंगे। और जो पूरा साइज है ब्लैक ऊपर नीचे में ब्लैक है, वो टीवी साइज के लिए है। टीवी पर जब आप दिखेंगे तो आपका ये जो बैनर है वो पूरा साइज में दिखेगा। तो हम अपना बैनर यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे कि ये लैपटॉप में भी अच्छे से दिखे और मोबाइल में भी अच्छे से दिखे। तो अब हम इसे बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। उसके लिए हम लोग डबल शेप वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, कलर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सॉलिड जो ब्लैक कलर है वो यहाँ पर से चुन लेंगे। अब आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद शेप्स का ऑप्शन आएगा, शेप पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर राइट साइड में भी हम स्क्रॉल करेंगे नीचे तो कलर का ऑप्शन आ जाएगा, तो अपना एक शेप का एक कलर हम लोग यहाँ पर से चुन लेंगे। इस शेप के साइज को अच्छे से बढ़ाएंगे, इस तरह से जूम करेंगे और जूम करने के बाद इसे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद गोल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे और हमें टू बैक का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे बैक कर देंगे। अभी यह वाला शेप पीछे चल गया है तो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। तो अब आपको इसी पर स्क्रॉल करना है, एक रोटेट का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए और इसका रोटेशन बढ़ाकर आपको 24 डिग्री कर देना है और इस शेप को इस तरह से आगे बढ़ाकर आप इसे एडजस्ट कर दीजिए। अब आप फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कीजिए और गैलरी से ये वाला इमेज ले लीजिए लोगो का, जो आपने लोगो बनाया था। अब लोगो के साइज को आप इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए और इसे छोटा कर दीजिए। छोटा करने के बाद इसे जो रेड पाई है, जो बीच में स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, यहाँ पर जो रेड पाई है उसके बीच में बिल्कुल यहाँ पर आपको ले आना है। बीच में लाने के बाद यहाँ पर राइट साइड में गोल आइकन पर क्लिक करेंगे और इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्टिसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिसिटी का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लीजिए और इसकी ऑप्टिसिटी को 20% के आसपास रख देंगे। अब आपको फिर से गैलरी से ये वाला लोगो ले लेना है और इसके साइज को छोटा कर लेना है, और इसके साइज को छोटा करके जो पहले वाला लोगो लगाया था उसके थोड़ा सा साइड में, राइट साइड में लगाएंगे इसको हम। और यह जो लोगो का साइज है, जो पहले वाला लोगो लिया था उस साइज से हम लोग इसे बड़ा रखेंगे, और आप चाहें तो शेप को भी थोड़ा आगे पीछे यहाँ पर कर सकते हैं। अब आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर लेना है और ऊपर में जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको ए वाले आइकन पर आना है और ऊपर जो एडिट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। अभी आपके क्रिकेट चैनल का जो भी फर्स्ट नाम है वो यहाँ पर लिख लेना, जैसे क्रिकेट स्पोर्ट्स ये सब। इसको लिख लेने के बाद इसको बीच में लाएंगे और लाने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें ए वी लिखा हुआ रहता है, ये वाला। फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाइए, माई फॉन्ट पर जाइए और उसके बाद द डेविल नेट इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप वहीं पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक टेक्स्ट साइज का ऑप्शन मिलेगा, तो वहीं से आप टेक्स्ट साइज को बढ़ा सकते थे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से टेक्स्ट साइज को बढ़ा लेना, इसको मैंने 71 रखा है। अब आपको नीचे में जो ए आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिएगा और उस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट में जो कलर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए
और जितने में टेक्स्ट का लेटर है उसमें से किसी एक लेटर का कलर आपको चेंज कर लेना है। तो के पर सेलेक्ट कर लीजिए और के पर सेलेक्ट करने के बाद इसमें ये वाला कलर जो आपका सेप का कलर है वही कलर इसमें कर लीजिए। आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके फिर से एक ऐड कर लेना, जैसे कि जो भी आपका पूरा नाम है चैनल का क्रिकेट के बाद जो भी कुछ नाम होगा जैसे क्रिकेट वर्ल्ड, तो उसके बाद आप लोग वर्ल्ड इस तरह से लिख लीजिए और वर्ल्ड को क्रिकेट के नीचे इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए। और इसका फॉन्ट आप लोग को चेंज कर लेना है, इसका फॉन्ट मैंने लिखा है मास्क्यू, तो ये इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए और इसका टेक्स्ट साइज का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा तो उस पर सिलेक्ट कर लीजिए और इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा घटा लेंगे, इसको कम रखेंगे साइज हम लोग, और इसका साइज हम लोग रखते हैं 28 का साइज हम लोग यहाँ पर इसका रखेंगे। तो भाई वर्ल्ड को आपको क्रिकेट के ठीक नीचे इस तरह से एडजस्ट कर लेना, उसके बाद वर्ल्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट कर लेने के बाद कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए ए आइकन पर ही, और इसके बाद आसमानी कलर इसको सिलेक्ट कर लीजिए जो हमारा सेप का भी कलर है और लोगों का जो सर्कल है बोस का भी कलर है। अब हमें एक और टेक्स्ट ऐड करना है, कोई भी नंबर, जैसे कि यदि आपने कोई चैनल में अपने नंबर लगाया जैसे 24, 18 इस तरह का, तो उसके नंबर को ऐड कर लीजिए और उसके फॉन्ट पर जाइए और माई फॉन्ट पर क्लिक करके आपको ये वाला जो फॉन्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसका टेक्स्ट साइज आपको बढ़ा लेना है, इसका टेक्स्ट साइज मैंने 51 रखा है, तो इसका टेक्स्ट साइज को बढ़ा लीजिए और अच्छे से इसको यहाँ पर लाकर एडजस्ट कर लीजिए क्रिकेट के ठीक ऊपर, टी के ठीक ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। और इसका भी कलर हम लोग स्काई ब्लू रखेंगे जैसा कि हम लोगों ने कलर सेव कर रखा है। अब आपको गैलरी से ये सोशल मीडिया वाला आइकन ले लेना है और उसके बाद कलर वाले ऑप्शन पर जाकर इसे इनेबल कर देना है। कलर पर जैसे ही आप इनेबल करोगे तो ये रेड कलर में हो जाएगा, लेकिन आपको इसका कलर चेंज करके व्हाइट कलर में कर देना है और इसका साइज छोटा करके इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। अब आपको गैलरी से ये लाइट वाला इमेज ले लेना है और इमेज ले लेने के बाद इसे टू बैक पर क्लिक करके बैक कर देना है, और बैक कर लेने के बाद इसे अच्छे से पीछे प्लेस कर देना है, और प्लेस करने के बाद यहाँ पर आपको एक कलर वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इनेबल कर लीजिए और इसका कलर बिल्कुल स्काई ब्लू कर देना है। अब आपको एक कॉपी का भी ऑप्शन मिल जाएगा तो कॉपी कर लीजिए और इस तरह से इसे फिर से बैक कर लेना है, और बैक कर लेने के बाद इसे अच्छे से एडजस्ट करके अच्छे से थोड़ा पीछे प्लेस कर लेना, और बाकी जो भी आइकन होगा उसको आप लेयर पर क्लिक कर लॉक कर लेना ताकि बाकी सब हिले नहीं, और लाइट वाले इमेज को अच्छे से इस तरह से बिल्कुल नीचे एडजस्ट कर देना है। अब आपको गैलरी से एक और इमेज ले लेना है, ये वाला क्रिकेट वाला इमेज ले लीजिए और ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको आप लोग रोटेट करके सीधा कर लीजिए इस तरह से, और इसका जो साइज है वो काफ़ी छोटा रखना है आपको कि बीच में ये एडजस्ट हो जाए अच्छे से। और अब आपको इस पर एक स्ट्रोक भी लगा लेना है, तो आप राइट साइड में इसको स्क्रॉल करना है गोल आइकन पर ही, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद गोल आइकन पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो स्ट्रोक को इनेबल कर लीजिए और स्ट्रोक का कलर व्हाइट रखेंगे और स्ट्रोक 2 रखेंगे। यह बैनर अब काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगा है देखने में। अब आपको गैलरी से ये वाला इमेज ले लेना है और इसको आधे से क्रॉप कर देना, जहाँ से ब्लू वाला है वहाँ से क्रॉप करने के बाद इसके साइज को अच्छे से नीचे से एडजस्ट कर लीजिए, और साइज को एडजस्ट कर लेने के बाद इसे बीच में लाइए जहाँ पर क्रिकेट का एक इमेज है, और उसके बाद टू बैक वाले ऑप्शन पर यहाँ पर मिल जाएगा आपको टू बैक का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके इसे बैक कर दीजिए। अब आप लेयर पर क्लिक कर लीजिए और लेयर पर क्लिक करने के बाद जो शेप था हमारा ब्लू कलर वाला उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर कॉपी वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और उसके बाद इस शेप को पकड़ लीजिए इस तरह से और इसे राइट साइड में इस तरह से स्लाइड कर लीजिए, तो यहाँ पर जो टू बैक का ऑप्शन है इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे और इसको भी बैक कर लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर जो रोटेट का ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे, और इसका जो रोटेशन हो चुका है बहुत ज़्यादा तो इसका एंगल हम लोग 0 डिग्री कर लेंगे, तो जो भी रोटेशन होगा वो हमारा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो एंगल है वो आपको 0 डिग्री यहाँ पर से कर लेना है। तो इस तरह से हमारा बैनर जो है बन चुका है, तो जो राइट साइड में जो हमारा शेप था उसको हमने बिल्कुल कॉर्नर में कर दिया उसका रोटेशन बिल्कुल 0 करके। अब आपको क्या करना है, प्लस के बगल वाले में, प्लस के बगल वाले जो आइकन बना वो सेब का आइकन है तो उस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज, तो सेव एज इमेज पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर जो क्वालिटी कस्टम है उसको सिलेक्ट करके आपको अल्ट्रा कर लेना है, और क्वालिटी को अल्ट्रा कर लेने के बाद सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए जिससे कि हमारा जो इमेज है बैनर है वो सेव हो जाएगा। और यदि आप बैनर में कुछ चेंज करना चाहते हैं बाद में तो इसे सेव एज प्रोजेक्ट करके भी सेव कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।